हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में टॉपिक है बुलियन रिट्रीवल मॉडल। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट, इट इज द एग्जैक्ट मैच रिट्रीवल। अब बुलियन रिट्रीवल मॉडल को एग्जैक्ट मैच रिट्रीवल मॉडल भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज बुलियन रिट्रीवल मॉडल में जो भी क्वेरी होती है, उस क्वेरी जो क्वेरी है वो अगर डॉक्यूमेंट से एग्जैक्ट मैच होती है, उसमें जो टर्म जो भी टर्म है, देन ओनली इट इज रिट्राइव्ड इन रिट्राइवल डॉक्यूमेंट सेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ क्वेरी में कोई एक टर्म है लाइक कंप्यूटर, सो कंप्यूटर वर्ड एग्जैक्टली जिस भी डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है वही वही डॉक्यूमेंट है वो रिट्राइव होते हैं। अब ये जो रिट्राइवल मॉडल है उसमें एक एजम्पशन है। कौन सा एजम्पशन है? All documents in the retrieved set are equivalent in term of relevance. That means इस मॉडल के अकॉर्डिंगली जितने भी हमें डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव होते हैं वो सारे की इक्विवेलेंसी टर्म के लिए कितनी है, सेम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरी एक क्वेरी है, लेट्स सी Q1, ओके, और जब इस क्वेरी का वैल्यूएशन होता है और हमने यदि बुलियन रिट्रीवल मॉडल अप्लाई किया है, तो लेट्स से कि हमें यहाँ पर तकरीबन 20 डॉक्यूमेंट्स है वो रिट्राइव होते हैं। ओके, तो क्या इसमें हायर रैंकिंग या फिर लोअर रैंकिंग का कुछ इश्यू आएगा? नहीं, बिकॉज बुलियन रिट्राइवल मॉडल क्या एज्यूम करता है कि जो भी रिट्राइव डेटा है, जो भी रिट्राइव डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर कितने हैं 20, उस सबके लिए उसकी रिलीवेंसी क्या है, इक्वल है फॉर दैट पर्टिकुलर टर्म। टू पॉसिबल आउटकम फॉर क्वेरी इवेल्यूएशन, दैट इज वन इज ट्रू एंड द सेकेंड वन इज फॉल्स। दैट मीन्स क्वेरी की रिजल्ट आपको या फिर ट्रू मिल सकता है या फिर फॉल्स। क्वेरी इज यूजली स्पेसिफाइड यूजिंग द ऑपरेटर फ्रॉम बुलियन लॉजिक। दैट मीन्स को क्वेरी के लिए जो भी हम ऑपरेशन यूज करते हैं, ऑपरेटर्स यूज करते हैं, वो कौन से है, एंड और एंड नॉट। ओके, तो चलिए देखते हैं कि सम एग्जांपल ऑफ बुलियन क्वेरी फॉर्मुलेशन, और उसके साथ साथ ही हम देखेंगे कि उस पर यदि क्वेरी इस टाइप की है तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेरी इज जस्ट अ सिंपल वर्ड, दैट इज लिंकन। क्या है लिंकन? अब आप देखिए, फॉर एग्जांपल यदि मुझे चाहिए वो इंफॉर्मेशन है प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, लेकिन मैंने क्वेरी में क्या फायर किया, ओनली लिंकन। तो अब उससे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस रिट्राइवल मॉडल इट रिट्राइव्स अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट दैट मेंशन लिंकन कार्स एंड प्लेस नेम्ड लिंकन इन एडिशन टू स्टोरीज अबाउट प्रेसिडेंट लिंकन। ये डॉक्यूमेंट में जहां कहीं भी लिंकन वर्ड प्रेजेंट है, इट कैन बी आइदर इन रेफरेंस ऑफ कार्स, प्लेस और एनी पर्सन। ओके, इट कैन बी प्रेसिडेंट लिंकन ऑल्सो, लेकिन जो भी जहां पर भी ये वर्ड प्रेजेंट होता है, अपियर होता है, वो उसको रिट्राइव कर देता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट रिट्राइव होते हैं वो टॉपिकली रिलेवेंस तो है। ओके, टॉपिकली रिलेवेंस आई कैन से दैट, लेकिन वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट यूजर रिलेवेंस नहीं होंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट रिट्राइव हो रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें कई सारे डॉक्यूमेंट एक्चुअल में नॉन रिलेवेंट हो यूजर के लिए। ओके, सो इसको क्वेरी को फर्दर मॉडिफाइड किया जाता है प्रेसिडेंट एंड लिंकन। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ लिंकन हमने क्वेरी में रखा था तो ये सारे इश्यू आ रहे थे, सो हमने क्या किया, यहाँ पर प्रेसिडेंट टर्म एड कर दी यूजिंग एंड ऑपरेटर। ओके, सो जो भी डॉक्यूमेंट में ये दोनों वर्ड प्रेजेंट है वही रिट्राइव हो गए, अदर एल्स आर एलिमिनेटेड। ओके, सो अब यहाँ पर क्या होगा, स्टिल यहाँ पर भी इश्यू है। क्या इश्यू है कि फॉर एग्जाम्पल कहीं भी लेट्स से कि किसी एक्स वाई जेड पर्सन ने प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की प्लेस ली है, एक्चुअली दैट आर्टिकल इज अबाउट सम अदर पर्सन। ओके, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसका नाम जस्ट इस तरह से मेंशन किया गया है, या फिर उसकी किसी जो फोर्ड मोटरसाइकिल एंड प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन उसके बीच में कुछ डील हुई है, या फिर कहीं भी इस तरह से वर्ड आता है जो कि उसकी एक्चुअल कंटेंट है वो प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के बारे में नहीं है, तो उसको भी वो रिट्राइवल सेट में एड कर देगा जो कि वो यूजर रिलेवेंस नहीं है। आफ्टर दैट
इसको सॉल्व करने के लिए फर्दर क्वेरी को हम डिस्क्राइब करते हैं. तो यहां पर क्या हुआ, प्रेसिडेंट एंड लिंकन, एंड यहां पर अब क्या हो गया, नॉट ऑपरेशन की एंट्री हुई. और यहां पर नॉट में हमने कौन से वर्ड टर्म यूज किए हैं, ऑटोमोबाइल और कार, ऑटोमोबाइल और कार. तो अब इस क्वेरी से क्या होगा कि पहले इस केस में जो भी डेटा डॉक्यूमेंट रिट्राइव हो रहे थे उसमें जहां कहीं भी कार वर्ड है या फिर ऑटोमोबाइल है वो सारे डॉक्यूमेंट को अब एलिमिनेट कर देगा. और कौन से डॉक्यूमेंट को सिर्फ वो रिट्राइव करेगा, जहां पर प्रेसिडेंट एंड लिंकन है लेकिन कहीं भी वहां पर ऑटोमोबाइल या फिर कार का रेफरेंस नहीं है. अब यहां पर यदि हमने नॉट ऑपरेशन यूज किया तो नॉट ऑपरेशन क्या करता है कि इट मे बी पॉसिबल दैट टू मेनी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ नॉन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आर रिमूव्ड. वो कई बार ऐसा भी करता है कि जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी उसको भी नॉन रिलेवेंट कंसिडर किया जा सकता है. क्यों ऐसा होता है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि उसकी किसी एक बायोग्राफी है और उसमें लेट्स से कि अब्राहम लिंकन की फेवरेट कार के बारे में कुछ मेंशन किया गया है. ओके, आई एम जस्ट, मैंने पढ़ी नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल. ओके, सो जस्ट टेक इट एज एग्जाम्पल. प्रेसिडेंट लिंकन की जो बायोग्राफी है उसमें लेट्स से कि कहीं पर कार का मेंशन हुआ है. ओके, लेट्स से कि उसकी फेवरेट कार ये थी और जस्ट लाइक दैट. सो अब देखिए, बायोग्राफी है उसकी तो वो तो मेन कंटेंट हुई, जो यूजर को चाहिए वही हुई, लेकिन फिर भी वो नॉन रिलेवेंट कंसिडर हुई. क्यों, बिकॉज उनमें वर्ड क्या है, कार. ओके, सो अब इस इश्यू को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, इस क्वेरी में बहुत सारी टर्म्स ऐड कर दी, लाइक एग्जाम्पल प्रेसिडेंट एंड लिंकन एंड सब. चलिए यहां तक तो कॉमन था. ओके, और ये जो पिछला पोर्शन है नॉट ऑटोमोबाइल और कार, तो ये देखिए ये भी इस तरह से इसी ऐसा है, ऐसा का ऐसा ही है. अब जो ऐड होता है वो क्या है, अब यहां पर है बायोग्राफी एंड लाइफ एंड बर्थ प्लेस एंड गेटिसबर्ग एंड नॉट ऑटोमोबाइल और कार. सो अब आपको इसका तो क्या क्या उसका असर होगा ये तो आपको पता चल गया है. लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यदि आप इस क्वेरी को नोटिस करें, इनमें बहुत सारे टर्म्स है और बहुत सारे टर्म्स है वो यूजिंग एंड ऑपरेशन से बाइंड हुए है. तो इस तरह से केसेस में क्या होता है कि कई कई बार हमें रिजल्ट्स में कुछ भी ना मिले. क्यों, बिकॉज यहाँ पर हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, एंड ऑपरेटर. फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. लेट्स से कि उसकी कुछ बायोग्राफी है या फिर उसकी लाइफ के रिलेटेड कुछ पैराग्राफ्स डॉक्यूमेंट में. ओके, सो यूजर रिलेवेंस तो वो डॉक्यूमेंट हुआ, लेकिन अब क्या होगा कि वो जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो भी आर्टिकल है उसमें कहीं भी सिर्फ ये लाइफ वर्ड है, लाइफ टर्म है वो नहीं है. देखिए प्रेसिडेंट भी है, लिंकन भी है, बायोग्राफी भी है, बर्थ प्लेस भी मेंशन है, गेटिसबर्ग टर्म भी उसमें अपीयर है, ऑटोमोबाइल और कार का भी कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन सिर्फ ये लाइफ वर्ड भी नहीं है. तो भी सिर्फ इस एक वर्ड नहीं होने की वजह से और यहाँ पर हमने एंड ऑपरेशन यूज किया है, ये दो फैक्टर की वजह से वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. ओके, सो मोटिव इज दैट कि जो भी क्वेरी है उसमें टर्म्स की संख्या कम होनी चाहिए और उसमें एंड ऑपरेशन को यूज नहीं होने चाहिए. आफ्टर दैट द लास्ट इज, अब ये देखिए ये जो क्वेरी है. ओके, तो यहाँ पर इस क्वेरी में मैंने जो भी यहाँ पर टर्म्स थी एंड से एंड ऑपरेशन से जो बाइंड की गई थी यहाँ पर मैंने उसको और मैं उसको कन्वर्ट कर दिया. ओके, यहाँ पर मैंने अंदर एक सब क्वेरी जनरेट कर दी और इस सब क्वेरी में ये जो सारे वर्ड्स है उसको और ऑपरेटर से बाइंड कर दिया. सो अब क्या होगा कि प्रेसिडेंट एंड लिंकन ये दोनों वर्ड्स तो कंपलसरी होने ही चाहिए, प्लस उसमें ऑटोमोबाइल और कार का कहीं भी जिक्र नहीं होना चाहिए, प्लस उसमें बायोग्राफी भी हो सकता है, लाइफ हो सकता है, बर्थ प्लेस हो सकता है या फिर गेटिसबर्ग. ओके, ये सारे जो वर्ड्स है वो ऑप्शनल है, दैट मीन्स इनमें से कोई एक भी प्रेजेंट है तो भी वो रिलेवेंस डॉक्यूमेंट में कंसिडर किया जाएगा.
okay, so it is just an example of a Boolean query formulation and how it is related according to Boolean retrieval model. Okay, जब भी इस query का result true होता है तभी वो query का evaluation होकर हमें वो डॉक्यूमेंट से वो रिट्राइव होते हैं, अदरवाइज रिजल्ट इज नथिंग. आफ्टर द लेट्स सी मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ बुलियन रिट्राइवल. द फर्स्ट वन इज रिजल्ट आर वेरी प्रेडिक्टेबल एंड इजी टू यूजर्स. व्हाई? बिकॉज यहाँ पर स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो किया जाता है कि यदि क्वेरी में कोई पर्टिकुलर वर्ड प्रेजेंट, क्वेरी में कोई पर्टिकुलर वर्ड है वो एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है, देन ओनली इट इज इन रिट्राइव्ड डॉक्यूमेंट, अदरवाइज नो. सो ये जो मॉडल है वो यूजर्स को समझाने के लिए बहुत ही आसान हो गया. ओके, आफ्टर दैट ऑपरेंड्स ऑफ अ बूलियन क्वेरी कैन बी एनी डॉक्यूमेंट फीचर. प्रीवियसली आपने देखा कि मैंने बहुत सारे एंड और एंड नॉट ऑपरेशन यूज किए थे. यहाँ पर पर्टिकुलर टर्म्स थी, ओके, लेकिन उसकी जगह मैं किसी मेटा टैग या फिर डेट या फिर कोई अदर इंफॉर्मेशन को भी एज ए ऑपरेंड ले सकती हूँ. डॉक्यूमेंट्स कैन बी रैपिडली एलिमिनेटेड फ्रॉम कंसिडरेशन इन द स्कोरिंग प्रोसेस, सो इट इज मोर एफिशिएंट. जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा, उसमें सिर्फ लाइव वर्ड नहीं था तो वो तुरंत ही वो जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट था वो एलिमिनेट हो गया. सो इस तरह से यहाँ पर जो एलिमिनेशन प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट होती है. सो ये जो बुलियन रिट्राइवल मॉडल है वो उसका जो इफिशियंसी है वो बहुत ज्यादा है. ओके, आफ्टर दैट लेट्स सी डीमेरिट. द इफेक्टिवनेस डिपेंड्स एंटायरली ऑन यूजर. अब क्यों यूजर के ऊपर डिपेंडेंट है? अब देखिए, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की, लेकिन मैंने जो क्वेरी फायर की है उसमें मैंने वर्ड क्या लिखा है? सिर्फ लिंकन. ओके, सो अब क्या होगा कि मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे. ओके, लेकिन उनमें से मेरे जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो कम हो गए या फिर नॉन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट भी रिट्राइव हो गए. ओके, सो यहाँ पर यूजर को जो क्वेरी है वो क्वेरी में जो भी टर्म है उसको बहुत ही सही तरीके से यूज करना होगा, अदरवाइज या फिर ऐसा हो सकता है कि जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो एलिमिनेट हो जाए या फिर जो नॉन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो भी रिट्राइव हो जाए. ओके, एंड बिसाइड्स दैट देयर इज वन आल्सो वन डिमेरिट दैट इफ पर्टिकुलर क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड एंड वी ट्राई लेट्स से कि 20 डॉक्यूमेंट्स हमें रिट्राइव होते हैं. ओके, अब ये बूलियन रिट्राइवल एल्गोरिदम क्या एज्यूम करता है कि जो भी रिट्राइव डॉक्यूमेंट है उसकी रिलेवेंसी कैसी है? इक्विवेलेंट है, दैट मींस वो उसकी रैंकिंग नहीं है यहाँ पर. सो अब क्या होगा कि जो एक्चुअल में जो स्ट्रांगली रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, ओके, वो कई बार हम उसको उसकी वो कई बार रिट्राइव होता भी है या फिर उसको लो रैंक में दिखाया जा सकता है. ओके, पर्टिकुलरली देर इज नो कंसेप्ट ऑफ रैंक इन बुलियन रिट्रीवल मॉडल बिकॉज इट ट्रीट्स एवरी डॉक्यूमेंट एज सेम इक्विवेलेंस टू द टर्म. सो दैट्स ऑल अबाउट बुलियन रिट्रीवल मॉडल. आई होप यू गॉट माई कंसेप्ट, एक्चुअली योर्स कंसेप्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.